हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, मैं एक न्यू वीडियो के साथ यहाँ पर आज रेडी हूँ और आज मैं आप लोगों को कुछ नई ट्रिक सिखाऊंगी, जिससे कि आप कुछ नया सीख पाओगे। अभी तक तो हमने बहुत छोटी छोटी सी ड्राइंग की थी, पर आज हम कुछ नया करेंगे, कुछ एक्साइटिंग सा करेंगे, जिससे कि आज हम लोगों को थोड़ा सा मज़ा आए। ठीक है, आप लोगों को पता है मेरा नाम आरती चौधरी और यहाँ पर आपको बहुत छोटी छोटी सी ड्राइंग सीखने को मिलती हैं। इससे पहले कि आज हम अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को कुछ पेंटिंग्स दिखाना चाहूँगी, जिससे कि आपको आइडिया लग सकेगा कि आज हम कुछ नया क्या बनाने वाले हैं। तो देखें, चलिए देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक लेडी बनाई हुई है, जो कि पूरी की पूरी पेंटिंग एक फिंगर से बनाई हुई है। यस, ये जो आपकी फिंगर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसी फिंगर से ये मैंने पूरी लेडी की फेस बनाई गई है, पूरी पेंटिंग बनाई गई है। ठीक है बेटा, और ये है एक नाइफ पेंटिंग, जो कि बहुत ब्यूटीफुली मैंने यहाँ पे बना रखी है, जो कि पूरी पेंटिंग एक नाइफ से बनाई हुई है। और ये यहाँ पर एक राजस्थानी पेंटिंग, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। एंड यहाँ पे कुछ पैटर्न ड्राइंग है, ये भी बहुत मेहनत से मैंने बनाई हुई है और ये भी बहुत सुंदर है देखने में। एंड कुछ मधुबनी पेंटिंग, इसे हम मधुबनी पेंटिंग कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी से आज आप आइडिया लगाओ कि आज हम कुछ नया क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे मैंने फिंगर से ये पेंटिंग बनाई हुई है बहुत ब्यूटीफुली, और आप लोगों को नहीं पता कि ये मैंने कैसे बनाई है, तो ये सेम पेंटिंग, सेम पैटर्न की हैंड पेंटिंग आज हम ड्रॉ करने वाले आप सब बच्चे हो। तो बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक कार्टून बना रखा है, जिसको अभी हम पेंट करने वाले हैं अपने फिंगर से। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे बनेगी ये पेंटिंग। आप लोगों को पता है, पहले एक शीट लेनी है, कोई भी कार्टून ड्रॉ करना है, उसके बाद हमें स्टार्ट करना है। तो करते हैं फिर। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी आपके हेल्थ से रिलेटेड, कि नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप कोई भी पेंटिंग करें, तो बेटा अपने नेल्स को प्लीज़ कट कर लें। यहाँ पे आपकी मैम ने मैंने नेल्स कट नहीं किए हैं, ये बहुत बुरी बात है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कट कर लूँगी। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी, जैसे कि आपने ये पेंट कलर लिया और आपके नेल्स में यहाँ पर चले गए और इसी हाथ से आपने खाना खाया, तो फिर बहुत आप बीमार पड़ सकते हो और बहुत सारी आपको डिसीज़ लग सकते हैं। वैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ सेफ़ रहें, तो अपने नेल्स को कट कर लें अच्छे से, क्योंकि अगर आपको पेंटिंग बनानी है तो फिर आपको हैंड्स को क्लीन रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ट्री है, आपको पता है कि ट्री का कलर ग्रीन होता है, तो हमने यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर ले लिए अपने फिंगर में, ऐसे देखिए ऐसे डिप करके यहाँ पर ले लिया है, और यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से इसको पेस्ट कर देंगे, ऐसे बिल्कुल पास पास में ऐसे डिप करना है आपने, और ऐसे ही पूरे ट्री पे स्प्रेड कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्री को कंप्लीट कर दिया अपने इस फिंगर से, बिल्कुल आपको डिप करना है और बिल्कुल पास पास ऐसे स्प्रेड करते चले जाना है, बिल्कुल भी दूर दूर नहीं, कुछ भी, बस बिल्कुल पास पास आपको ऐसे ऐसे करके पेस्ट कर देना कलर को, और इस पूरे पे ऐसे ही करना है, कहीं पे भी ब्रश का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको हैंड का यूज़ करना है। जैसे अब यहाँ पे ब्राउन कलर आ गया, तो अब इसको हम वॉश करेंगे और इस मशरूम को कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर ये बेबी कंप्लीट करेंगे, उस पूरी पेंटिंग को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये ओवरऑल पेंटिंग कंप्लीट हमारी हो चुकी है बहुत अच्छे से। बस आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के ये जो वाटर कलर है यहाँ पे हमने यूज़ करे हैं, और किससे यूज़ करे हैं, अपने फिंगर से। हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट फिंगर है, कुछ छोटी कुछ बड़ी, इस तरीके से देखिए आप मेरे हाथ देख सकते हो, बहुत कलरफुल हो चुके हैं। इसी तरीके से आपको ये पूरी पेंटिंग यूज़ करने है अपने हैंड्स को, और ऐसे पेस्ट करना है, और ये बहुत अच्छे से आप इसको क्रिएट करना है। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे कार्टून्स बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही बनाना है, आप बहुत अलग अलग कार्टून बना सकते हो, कुछ छोटी छोटी पेंटिंग्स बना सकते हो, पर बनाना ऐसा ही है क्योंकि इसका नाम ही है फिंगर पेंटिंग, तो फिंगर से करना है। तो बच्चों, यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये अच्छी लगी पेंटिंग, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बाय बेटा।